किड्स, एक बहुत अच्छी कहावत है, चिंता चिता समान है। यानी कि जितनी हम टेंशन लेते जाते हैं उतना ही हमारी तबीयत खराब होती जाती है। हमारी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एक और समझदार व्यक्ति ने बात कही थी कि प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, पता तो वो प्रॉब्लम्स है क्या। तो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली है कि एग्जाम से पहले हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनको करने से हमारा एग्जामिनेशन स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन 5 मिस्टेक्स को जो हमको नहीं करनी चाहिए बिफोर द एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ ज्योत्सना ज्योत्सना शारदा एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे थोड़ा सा कम लिखा है यार, मेरे को एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स प्लस हो गया है। आई एम गोइंग टू रेक्टिफाई हेयर। सो आई हैव टॉट लॉट ऑफ किड्स, आई डिडंट काउंट, इट्स जस्ट एस्टिमेट। बट मेरा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दैट आई ट्राई टू टीच द थिंग्स इन अ वेरी इजी मैनर। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन द 9th क्लास, यूट्यूब पे सारे टॉपिक्स के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसी चैनल के अंदर, तो आप वहां पे जाइए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को चटपट सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो 5 थिंग्स टू डू, नॉट टू डू, नेवर टू डू बिफोर द एग्जाम्स। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको स्ट्रेस देती हैं। अगर आपको हमारा सेशन आज का पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे अगर आप लाइक करोगे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। ओके, वी फील सो मच स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम्स। बहुत स्ट्रेस हो जाता है, मतलब आप रोक भी नहीं पाते स्ट्रेस को। आई डिडंट से कि स्ट्रेस खराब होता है, कुछ हद तक वो सही भी होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस तो होना चाहिए। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो एग्जाम्स में जाते हैं तो बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, आप कभी देखना, मतलब यू नो इन द बस, जो आपकी स्कूल बस होती है, या जब पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, देयर डिफरेंट टाइप ऑफ किड्स। कुछ ऐसे किड्स होते हैं जो नोटबुक साथ ही लेके जाते हैं, अरे यार साथ साथ में पढ़ रहे हैं, वहीं पर रट्टे लगा रहे हैं, फॉर्मूलास पढ़ रहे हैं, ये पेज पे पेज पलट रहे हैं, टेंशन में है, है ना। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, मतलब अपने क्लास फेलो से बात करें, इसका क्या होगा, इसका क्या होता है, डिस्कसिंग थिंग्स। एंड देयर सम, एक और तरह का बच्चा होता है जो बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं ले रहा होता, इज वेरी और शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, कोई टेंशन ही नहीं यार, वो पकड़ता है बस घर से निकलता है, उसको कोई टेंशन नहीं, आराम से खा पी रहा है ना, चलता चलता उसको लग रहा है एग्जाम्स ही है ना, कई बड़ी बात है। ये जो लास्ट टाइम मैंने बताई है ना, ये आप भी हो सकते हैं अगर आप ये गलतियां ना करें। एंड द सेकंड थिंग, तैयारी इतनी मजेदार रखो यार, सिर्फ एग्जाम से पहले क्यों पढ़ना, क्यों ना आप मतलब सारा साल पढ़ते रहो और एग्जाम से कुछ ऐसे देखो जैसे कि खाना खाना हो, जैसे कि टीवी देखना हो, मतलब इतना नॉर्मल होना चाहिए आपको एग्जाम्स में। मुझे लगता है हमारी सोसाइटी ने थोड़ा सा ना इसको टफ सा बना रखा है। कोई बात नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जिससे ये पंगे शायद हमारे खत्म हो जाएं। आप नोटिस करना कहीं आप ऐसी गलतियां तो नहीं करते, ठीक है, देखते हैं। स्ट्रेस के पीछे कारण तो यही है, लास्ट मिनट प्रेपरेशन जो मैं अभी बता रही थी, वैसा नहीं करना चाहिए आपको। हाई एक्सपेक्टेशंस, पहले तो होता था ना पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मेरा बेटा ये करेगा, आजकल तो बच्चों ने खुद से बहुत एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है, यार मेरा 80% आना, 90%, एंड डोंट गो बिहाइंड द मार्क्स। तुमने ये देखा नहीं वो कौन सी मूवी थी, आमिर खान की थी ना 3 Idiots, उसमें से क्या कहा था, मार्क्स के पीछे नहीं कभी भागते, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप मिल जाता है। ऑलवेज कर्म, कर्म करते जा, फल अपने आप मिल जाता है। ओके, कई बार तो आपको टीचर्स और हाँ पेरेंट्स भी प्रेशर डालते हैं, भैया अच्छे नंबर आने चाहिए। आई एम सॉरी, मेरे को थोड़ा सा कोल्ड है तो। अच्छा, नेक्स्ट इज अ फीलिंग ऑफ द कंपटीशन, ये मैं बोल रही थी अपने आप से, जो आप स्ट्रेस लेते हो, फीलिंग ऑफ फेयर, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि यार सॉरी फेयर ऑफ फीलिंग, कई बार ऐसा लगता है फेल ही हो जाएंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो बच्चा सारा साल पढ़ा है, क्लास में अच्छे से सुना है, वो कभी फेल नहीं हो सकता। हाँ ये अलग बात है, आप 80% को भी ये समझ रहे हो यार हम फेल ही हो जाएंगे, तो अलग बात है। चलिए आगे देखते हैं। फीलिंग लेस प्रिपेयर्ड, ये मेरे को लग रहा है 80% बच्चों को लगता है यार तैयारी नहीं हुई, ये चीज कैसे आए। देखो मेरा मानना है एग्जाम जिस महीने है, मान लीजिए आपका एग्जाम जैसे कि अप्रैल में है ना, तो मेरी जान अगर अप्रैल तक आप 3 बार पूरे सिलेबस का रिवीजन दे चुके हो तो ये जो लास्ट वाली फीलिंग है ना, ये आपको नहीं आने वाली, ट्राई करना कभी। सो व्हाट सिचुएशन वी कैन अवॉइड, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले डू नॉट स्पेंड ऑल योर टाइम ऑन द वन टॉपिक और द सब्जेक्ट। कई बार क्या होता है, पैनिक हो जाता है यार मेरा वो टॉपिक नहीं, वो आज तो मैं करके रखूंगा, मतलब आपने बहुत कुछ सोचा होता है, वो एक ही टॉपिक पढ़ते पढ़ते ना आप बोर हो जाते हो। एंड इफ यू गो फॉर द लर्निंग, आपने कभी लर्निंग कर्व देखा हो, जब आप पढ़ने बैठते हो ना, कई बार शुरू में थोड़ा लो होता है, फिर ये ऊपर चला जाता है, मतलब आप बहुत तेज पढ़ना शुरू कर देते हो, बहुत कुछ समझ आना शुरू होता है, बड़े रट्टे रट्टे लग जाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, बड़े सम्स निकाल रहे हो, बहुत कुछ बढ़िया, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है सैचुरेशन,
जिसके बाद आपका कर्व, वो लर्निंग कर्व थोड़ा नीचे आ जाता है, नीचे नीचे नीचे, और फिर डेड खत्म। शाम आते आते आपको लगता है खत्म हो गया यार, अब और नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन पढ़ रहे हैं, दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, कॉपी सामने रखी है तो लग रहा है दिन बर्बाद गया। ऐसे नहीं करना चाहिए, ट्राई टू हैव वन और टू सब्जेक्ट्स, दो तो कम से कम होने चाहिए एक दिन में, ताकि आप बैलेंस कर सको, क्योंकि एक चीज से बोरियत हो जाती है। एक आप कोशिश करना, आपको जो सबसे अच्छी चीज लगती है टीवी देखना, सारा दिन टीवी देख के देखो, आप नहीं देख पाओगे। या आपको वीडियो गेम पसंद है तो सारा दिन वीडियो, सुबह से लेकर शाम तक खेलो, एंड में आपकी बस हो जाएगी, आप सोचोगे ओ दिस शुड नॉट बी, मैं नहीं कर सकता। और नहीं कर सकते बेटा, आपको लगता है आप कर सकते हो, ट्राई करके देखना, आपने जब छुट्टियां आएंगी ना उसमें करके देखना, नहीं कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो टाइम टेबल ढंग से बनाओ, कम से कम एक दिन में कम से कम दो सब्जेक्ट रखो, तीन रखोगे तो और ही बढ़िया, ठीक है, ये आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करता है। हमने बहुत सारी वीडियोस दी हैं टाइम टेबल के ऊपर, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। आगे चलते हैं, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अच्छा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, होता क्या है बच्चे ना रह नहीं पाते, आदत होती है ना, मतलब शुरू से ही आप फोन पे हो, टेलीविजन पे हो, वैसे आजकल टीवी कम देखते हैं लोग, फोन पे रहते हैं ना, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, प्रॉब्लम कोई नहीं इनमें, प्रॉब्लम इज कोई कमेंट आ गया इंस्टा पे, या फिर कोई आपने व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज पढ़ लिया, या आपने कोई सीरीज देख ली, अब एनिमी देखी या दूसरी सीरीज देखी, कुछ भी देखा आपने, कोई मूवी देख ली रिफ्रेश करने को, जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो वो मूवीज, वो ध्यान, वो सीन्स आपके दिमाग में गोल 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 घूमते रहते हैं, एंड दैट इज इन द सबकॉन्शियस माइंड, आपको पता ही नहीं चलता, ऐसा ही होता है। आप ऐसा करो, रात को सोने से पहले ना कुछ मूवी वगैरह देखो, कोई भी ऐसी चीज, फोन पे देखो, कुछ भी देखो, रात को सपने में भी वही चीजें आती हैं। रीजन, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो विजुअल्स देखे हुए हैं, एंड जो कुछ आपने उसके बारे में सोचा वो आपके विजुअल सपने में, अब ये देखो अगर सबकॉन्शियस माइंड में रात को वो दिख सकते हैं तो दिन में क्यों नहीं, दिन में तो आप और ज्यादा अवेयर हो, ठीक है, तो आपको और ज्यादा वो चीजें आपके दिमाग में घूमती हैं, डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कट योर सोशल लाइफ, एग्जाम्स में तो बिल्कुल कट ऑफ कर दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी, वही लोग, वही सब बातें, निकाल दो यार, कौन सी मूवी आ रही है, कौन सी जा रही है, कोई लेना देना नहीं। आजकल सब मूवी ओटीटी पे आ जाती है, बाद में थिएटर से उतर भी गई दो दोबारा देख लेना, लेकिन फिलहाल आपको फोकस करना है कि मेरे को ये जो भी आपने फोकस बना रखा है यार, जितने मर्जी परसेंट का बना रखा है, इट्स अप टू यू, तो उसको पूरा करना हमने अब, ठीक है। चलिए, सो अपने फोन को भैया अपने मम्मी डैडी को दे दो इन एग्जाम्स, और एग्जाम से पहले आप एक महीना लेके चल रहे हो कि अब मेरे को 100% तैयारी करनी है, तब भी दे दीजिए, हफ्ते में एक बार लिया जा सकता है बट नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस, आप खुद देखना आप में फर्क आएगा, एक हफ्ता करके देखो, अगर आपको लगा कि मैं गलत कह रही हूँ तो वापस ले लेना, एक हफ्ता करके तो देखो, ट्राई करो, डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू। अब ये बहुत गड़बड़ है, अचानक किसी का फोन आ गया, तभी कहीं कट ऑफ करो, किसी का फोन आ गया यार ये भी सिलेबस में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने छोड़ तो नहीं रखा, एंड यू आर लाइक ये चीज नहीं मैंने की थी यार, मुझे लगा शायद PT3 में तो आना है लेकिन एग्जाम्स में नहीं आना, ऐसी कुछ सोच हो जाती है हमारी। और ऐसे गड़बड़ वाले बच्चे होते हैं जो एंड मोमेंट पे बताते हैं, तो भैया वो दिमाग बहुत खराब करता है, पैनिक हो जाते हो आप एंड मोमेंट पे, एंग्जाइटी लेवल्स एंड मोमेंट पे जो आता जाता वो भी चला जाता है, एक फियर आ जाता है आपके अंदर, तो प्लीज जितना पढ़ लिया बस बहुत है ना, कोई कुछ नहीं होने वाला। मैं मेरे को लग रहा है कि अगर तुमने मतलब 90% भी आप सिलेबस कर लिया ना आपने बढ़िया तरीके से, तो बहुत बढ़िया, एक आधा टॉपिक छूट भी जाता है, इट माइट बी, मेरे को लग रहा है वो 2 या 3% होता होगा पूरे 100% का, छोड़ दो, अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है, डोंट रीड एनी न्यू टॉपिक, छोड़ दीजिए, उसने चाहे आना ही ना, उसके पीछे सारा कुछ खराब कर लोगे। सो नेक्स्ट थिंग इज बच्चा, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। अब ये क्या चीज है, यू नो ये बीमारी जो नई बीमारी है, एक्चुअली ये बीमारी बहुत पुरानी है लेकिन अभी अभी इसका जो कह सकते हैं इसका जो नाम है वो वायरल हुआ है, बहुत बार मैंने FM पे सुना है, डॉक्टर्स के मुंह से सुना है कि ऐसी बीमारी है जो आम तौर पे पाई जाती है स्टूडेंट्स के अंदर, नहीं मतलब सबके अंदर पाई जाती है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स व्हेन यू डिले थिंग्स, जब आप ऐसा कहते हैं ना कि भैया आज नहीं काम करेंगे कल कर लेंगे, इतना हो गया बस यार, इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते हम, थोड़ा सा बचिए ये कल कर लेंगे, ठीक है, तो कल हो जाएगा, सब हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। जब हम चीजों को डिले करते हैं तो चीजें क्या होती है, पाइल अप, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब चीजें पाइल अप हो जाती है, चीजों को डिले करते रहते हो यार, पाइल 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 होती रहती है, तो लेटर ऑन पाइल बहुत बड़ा हो जाता है, आपका एंग्जाइटी लेवल एंड टेंशन फिर से बढ़ जाती है, तो इस चीज को आप रोकिए, इस चीज को आप छोड़िए, कैसे, बाय ऑब्जर्विंग इट, आपको प्रॉब्लम पता चल गई,
अब आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर बच्चों में पाई जाती है। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट पैनिक। हो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक हर कोई इंसान एग्जामिनेशन के पास जाके थोड़ा बहुत तो पैनिक होता है। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको इस पैनिक चीज से पीछा छुड़ाना है। मैंने आपको जैसे समझाया था कि बहुत तरह के बच्चे होते हैं, यू नो देयर आर सम किड्स जो बिल्कुल भी एग्जाम्स के पास जाके टेंशन ही लेते, मतलब यूं बिल्कुल घूम रहे होते हैं फ्री, कोई टेंशन ही नहीं है यार, और कुछ यूं किताबें निकाल निकाल के पढ़ रहे होते हैं। जो किताबें निकाल निकाल के पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में होते हैं, कहीं ना कहीं पैनिक होते हैं, जस्ट एग्जाम से पहले किताबें खोल लेते हो। और कुछ बच्चे बिल्कुल रिलैक्स होके खड़े होते हैं, दे आर नॉट पैनिक, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर नॉट पैनिक। तो आपने स्टडी भैया अच्छे से किया, हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आओ, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट, आपको पता होना चाहिए कई बार यू नो आई इट हैपेंड विद मी, इट शुड नॉट हैपन विद एनीवन, कितना बुरा हुआ था मेरे साथ। एग्जाम्स था इंग्लिश का और मैं पंजाबी समझ के चली गई, बिकॉज आई एम पंजाबी, तो मैंने सोचा पंजाबी का एग्जाम है, मैं गलत ही सोच के चली गई और एग्जाम में जाके मेरे जो पसीने छूटे, बट थैंक गॉड फॉर द पंजाबी टीचर जो थे हमारे, वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने सारी तैयारी क्लास में करवा रखी थी, एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड स्कोर इन दैट दैट हैपेंड। तो ये जो चीजें है ना बड़ी गलत होती हैं, कई बार बच्चों को एग्जाम्स के बिल्कुल पास जाके पता चलता है ये भी आना था, ये कट चुका है, ओ माई गॉड इसके ऊपर मैंने 2 दिन बर्बाद किए और ये तो सिलेबस से जा चुका है। तो ऐसे जो मतलब कंफ्यूजन होता है भैया, उससे दूर रहो, एग्जाम्स के बारे में पूरी अच्छे से पता होना चाहिए। और जितनी भी टेक्निक्स कौन सी हैं एंग्जाइटी को कम करने के लिए, डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ व्हेन यू थिंक यू आर पैनिक, जब लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है दिमाग में, शांत नहीं है दिमाग, आप सबसे पहले ऑब्जर्व करो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, और उसके बाद डीप ब्रेथ करने मतलब लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दो, इट विल डेफिनेटली हील यू, इट विल डेफिनेटली हील। मुझे बहुत हील किया इसने, जब मैं पैनिक हो जाती हूँ तो मुझे बहुत हील किया, तभी मैं बता रही हूँ। चलिए सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे माय डियर किड्स, जाइएगा नहीं, मैं कुछ और बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैं पहले कह रही थी, अगर आपने मेहनत अच्छे से की हो तो आप रिलैक्स होके स्ट्रेस फ्री होके यू नो घूम सकते हैं। तो मेहनत कैसे अच्छे से करनी है, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे, अच्छे टीचर से पढ़ोगे, तो डेफिनेटली अच्छे से मेहनत होगी। ये एक वीडियो है दैट इज ब्रिज कोर्स मेंटरी जो मैंने आई थिंक सैटरडे को लिया था, इसमें अगर आप नीचे जाओगे, रुक जाओ मैं छोटू हो जाती हूँ, इसमें आप नीचे जाओगे तो प्री बुकिंग दिख रही होगी आपको, तो यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाके आपको 10th क्लास में एडमिशन लेना है। अगर प्री बुकिंग करना है तो देखिए कैसे करेंगे हम, तो आप जाओ और जाके यहाँ पे 21,000 में प्री बुकिंग करवा लीजिए, 15 डेज ट्रायल भी ले सकते हैं, एंड इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द जेई मेन्स, अगर आप 10th क्लास में हैं और जेई मेन्स में जाना चाहते हैं तब भी आप करवा सकते हो, तो हेयर यू कैन गो फॉर द 11th 12th दृष्टि जेई कोर्सेस, 2 साल का जो कोर्स है, और नीट का अलग से तो नहीं है ना, ये रहा दृष्टि नीट, तो इस पे चले जाते हैं, और यहाँ पे जाएंगे तो 60,000 में आपको मिल रहा है। ठीक है, आप कूपन कोड लगाइए, यहाँ पे मेरा कूपन कोड फिलहाल नहीं चल रहा है, बट आई विल मेक इट एप्लीकेबल, मैं इसको फंक्शनल करवा लूंगी कुछ घंटों में, तो प्लीज इसको फंक्शन कर लेंगे और इसको डालिए, और आपका प्राइस काफी हद तक कम हो जाएगा, आप 1 महीना आके भी देख सकते हो। यहाँ पे लिखा ट्राई फॉर द 15 डेज, अगर आप हमारा कूपन कोड डालोगे तो ये जो प्राइस है इस प्राइस में आप पूरा 1 महीना आके देख सकते हो कि हाउ वी आर टीचिंग, हाउ द वेदांत इज गोइंग ऑन, क्या ये आपकी लाइफ स्टाइल के साथ सेट हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, कुछ बच्चे मतलब थोड़ा सा डाउट लेके चलते या डिसाइड नहीं कर पाते ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आई थिंक यू कैन मेक योर माइंड बाय कमिंग टू अस ऑन द ट्रायल बेसिस। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा किसी और दिन, ठीक है। और अगर आपकी कोई स्पेशल इच्छा होगी मैडम इसके ऊपर हमारे साथ थोड़ा सा विचार विमर्श करिए, इसके रिलेटेड किसी टॉपिक के रिलेटेड आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, आई विल डेफिनेटली टॉक ऑन दैट इशू। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय, टाटा।